हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय दो विश्व की प्रमुख जनजातियाँ कक्षा 12 विषय भूगोल पार्ट टू की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे एस्किमो जनजाति की, यानी आपको मैंने क्षेत्र वाइज कहाँ कौन सी जनजाति निवास कर रही है ये जनजातियों के बारे में मैंने आपको पहले पार्ट वन में बता दिया है। तो अब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं एस्किमो जनजाति, एक एक जनजाति के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्किमो का अर्थ। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीले प्रदेश में रहने वाले से है। यानी एस्किमो आपको पता है ध्रुवीय क्षेत्र में रहती है, और ये ध्रुवीय क्षेत्र में रहती तो है, मगर वास्तव में एस्किमो का क्या मीनिंग है वर्ड का, तो ये है कच्चा मांस खाने वाले तथा बर्फीले प्रदेश में रहने वाले हैं। अगला है शारीरिक संगठन। एस्किमो जनजाति का संबंध मंगोल प्रजाति से है। इसका चेहरा सपाट व चौड़ा, त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा, बाल भद्दे व काले, कद मंजला, नाक चपटी, आंखें गहरी कत्थई तिरछी होती है। नहीं, अगर हम आपको वैसे तो मानव देखोगे तो सभी मानव एक जैसे लगेंगे, लेकिन एस्किमो को अगर पहचानना है तो उसका शारीरिक संगठन जो है उसका हमें पता होना चाहिए। तो उसके सबसे पहले तो हम बता दें कि आपको इसका संबंध एस्किमो का मंगोल प्रजाति से है। इसके चेहरे की बात करें तो चौड़ा और सपाट होता है, उभरा हुआ नहीं होता है। त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा होता है, बाल काले और भद्दे होते हैं। कद, अगर इनके कद की बात करें तो मंझला होता है, ज़्यादा लंबे यह नहीं होते हैं। नाक इनकी चपटी होती है, आँखें गहरी, अंदर की गहरी यानी अंदर की तरफ धंसी हुई, कत्थई और तिरछी होती है। इनके शरीर एवं हष्टपुष्ट पुट्ठे मांसल होते हैं। इनका शरीर बहुत हष्टपुष्ट होता है और पुट्ठे यानी पिछला भाग जो है वो पुट्ठे इनके मांसल होते। अब हम इनके स्वभाव की बात करते हैं तो इन लोगों का स्वभाव सरल होता है तथा ये हंसमुख प्रकृति के होते हैं। यानी इनका स्वभाव जो है बहुत ही सिंपल लोग यह होते हैं, बहुत सरल होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, और ये हंसमुख प्रकृति के हमें देखने को मिलते हैं। ये अपनी स्थिरता, गंभीरता, विवेक को अधिक बनाए रखते हैं। यानी ये क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, गंभीर होते हैं, विवेक को अधिक बनाए रखते हैं। यानी अगर इनको कोई भी निर्णय लेना होता है तो सरलता से निर्णय यह नहीं लेते हैं, बहुत सोच समझ करके निर्णय लेते हैं। अब है निवास क्षेत्र। एस्किमो जनजाति के लोग टुंड्रा व आर्कटिक प्रदेश में रहते हैं। यानी अगर हम ये पता करें कि ये लोग कहाँ देखने को मिलते हैं तो वो टुंड्रा प्रदेश और आर्कटिक ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं। अलास्का से लेकर बेरिंग जल डमरू मध्य तक फैले रहते हैं। ये क्षेत्रों के नाम है अलास्का, उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलेगा आपको अलास्का, उत्तरी अमेरिका उत्तरी भाग, वहाँ से लेकर के बेरिंग जल डमरू तक ये फैले हुए हैं। अलास्का, कनाडा, उत्तरी साइबेरिया इनके प्रमुख निवास क्षेत्र हैं। ये सभी पास पास में हैं, अलास्का, कनाडा और उत्तरी साइबेरिया। ये कठोर जलवायु क्षेत्रों के निवासी हैं, यानी वहाँ की जलवायु बहुत ही असहनीय होती है हम जैसे लोगों के लिए तो, लेकिन ये लोग वहाँ इतनी कठोर जलवायु में भी अपना जीवन यापन करते हैं। तो अभी जो हमने देखा वो एक बहुत ही सिंपल परिचय इनका है, जिसमें एस्किमो का अर्थ, शारीरिक संगठन, स्वभाव और निवास क्षेत्र इसके अंदर आया है। अब हम बात कर रहे हैं सामाजिक दशा की। सामाजिक दशा में इनका रहन सहन, खान पान, सोच विचार सब कुछ आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रादेशिक नाम की। एस्किमो लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यानी एस्किमो जनजाति को केवल हम एस्किमो के नाम से ही नहीं जानते हैं, बल्कि और अलग अलग नामों से भी इसे हम जानते हैं। कनाडा व ग्रीनलैंड में इन्हें एस्किमो, स्कैंडिनेविया में लैप्स, उत्तरी साइबेरिया में सेमोयट्स, याकूत, चकची, तुंग के नाम से जाना जाता है। ये जो है कि कहाँ किस नाम से जानते हैं क्षेत्र वाइज, तो ये आपको यहाँ याद करना है क्योंकि बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, और ये पूछा भी गया है कि कहाँ किस क्षेत्र में किस नाम से इसको जानते हैं। तो ये सबसे पहले कनाडा और ग्रीनलैंड में तो इसे हम एस्किमो कहेंगे, स्कैंडी
नेविया के अंदर इसे हम लेप्स कहेंगे और उत्तरी साइबेरिया में हम इसे सेमोयर्स या कुद और चकचे तुंग के नाम से हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं इनके खान पान की। तो इन लोगों द्वारा कच्चे मांस का प्रयोग किया जाता है। ये जो एस्किमो लोग हैं बहुत ही दूरस्थ हैं और आधुनिक जीवन से के संपर्क में नहीं है, तो इनका खान पान जो होता है वो कच्चा मांस ही होता है। इनके भोजन में सील, वेल, सी लॉयन, छोटी मछलियाँ, ध्रुवीय भालू, खरगोश, लोमड़ी व वालरस नामक जीवों के मांस का उपयोग किया जाता है। देखिए ये मोस्टली जो है मांस का ही उपयोग करते हैं। इसका एक रीज़न है क्योंकि मांस एक ऐसी चीज़ है जिससे क्या है कि जलवायु को सहन करने की शक्ति हमें मिलती है। तो ये ठंडे क्षेत्र में रहते हैं, इनको ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, इसीलिए ये ऐसा भोजन करते हैं जिससे इनकी एनर्जी बरकरार रहे ज़्यादा समय तक। तो ये हर प्रकार के जो भी मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, तो उन जानवरों का एक कच्चा मांस खाते हैं। तो इसमें आता है सील। ये सील एक मछली का नाम है, सील उसका प्रकार है मछली का, जो कि इनको बहुत पसंद है ये। तो सील, वेल, सी लॉयन, छोटी मछलियाँ, ध्रुवीय भालू, तो आप जानते ही होंगे सफ़ेद कलर के होते हैं तो वो भी इनको पसंद है, खरगोश, लोमड़ी, वालरस नामक जीवों के मांस का उपयोग यह करते हैं। इन सब का ये कच्चा मांस ही खाते हैं। आगे हम बात करते हैं पहनावा। ये लोग मुख्यतः केरिबो, केरिबो एक जानवर का नाम है जिसे हम बारह सिंगा के नाम से जानते हैं, की खाल से बने वस्त्र पहनते हैं। यानी केरिबो की जो खाल होती है, मारते हैं उसका, शिकार करते हैं, उसका मांस तो ये खा लेते हैं और इसकी जो खाल है उसका यह है वस्त्र बनाते हैं। ध्रुवीय भालू के समूर से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। ध्रुवीय भालू का जो समूर होता है उससे भी ये लोग अपने वस्त्र बनाते हैं। स्त्री पुरुष दोनों के वस्त्र एक समान होते हैं। यहाँ पर जो स्त्री और पुरुष है, ऐसा नहीं है कि स्त्री के वस्त्र अलग हैं पुरुषों के अलग हैं, नहीं, इन दोनों के ही वस्त्र जो है समान रखे गए हैं। वस्त्र स्त्रियों द्वारा बनाए जाते हैं। अब जो ये वस्त्र हैं, ये वस्त्र का निर्माण कौन करेगा, तो यहाँ स्त्रियाँ करेगी, पुरुष क्यों नहीं करेंगे, तो क्योंकि पुरुष शिकार करने के लिए जाते हैं, अपने अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं, इसीलिए स्त्रियाँ घर पर रह कर के और उनके लिए खाल से वस्त्रों का निर्माण करती हैं। वस्त्र स्त्रियों द्वारा बनाए जाते हैं। अब ये जो वस्त्र हैं स्त्री द्वारा ही बनाए जाएंगे, क्यों बनाए जाते हैं स्त्रियों द्वारा, मैंने आपको बता दिया है। इनके द्वारा जर्सी नुमा बाहेंदार वस्त्र पहना जाता है, जैसे हम स्वेटर का उपयोग करते हैं विंटर सीजन में, बस वैसे ही ये लोग क्या है जर्सी नुमा एक वस्त्र बनाते हैं जिसकी लंबी लंबी बाहें होती है। तो यहाँ ऐसा क्यों है, क्योंकि वो ठंडा क्षेत्र है इसलिए ये जर्सी नुमा बाहेंदार वस्त्र का उपयोग कर रहे हैं। इसे तिमिया कहते हैं। अब आपको यहाँ याद करना है तिमिया क्या है और अनुहा क्या है, दो चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। यहाँ आपको तिमियाक और अनुहाक दोनों में अंतर ध्यान में रखना है। तो तिमियाक और अनुहाक दोनों ही वस्त्रों के नाम हैं। तिमियाक का अर्थ है जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र, जिसे हम तिमियाक के नाम से जानेंगे। तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़ों को अनुहाक कहते हैं। तो तिमियाक पहले पहन लेते हैं, उसके ऊपर और वस्त्र पहना जाता है, उसको हम अनुहाक के नाम से जानते हैं। तिमियाक क्या है, जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र है, जबकि अनुहाक तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला एक वस्त्र का नाम है। इनके जूते को कार्मिक या मुलुक्स कहते हैं। इनके जो जूते हैं, इनके द्वारा जूतों का भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि बर्फीले क्षेत्र में, ठंडे क्षेत्र में पैदल चलना संभव नहीं है, तो वहाँ हम जूते का उपयोग करते हैं। और एस्किमो जनजाति द्वारा जो जूते पहने जाते हैं उन्हें हम कार्मिक या फिर मुलुक्स के नाम से जानते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक अभ्यास प्रश्न है और ये आपको करना है कि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और आपको यह याद भी करना है। और ये एस्किमो जनजाति पूरी नहीं हुई है यहाँ, हम अगले पार्ट 3 के अंदर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एस्किमो का शाब्दिक अर्थ लिख करके याद करना है।
यहाँ हमने पहनावे, खान पान की, उनकी वेशभूषा की, उनके शारीरिक बनावट की, निवास क्षेत्रों की, सबकी बात करी है, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ें और समझें।